नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी की रस्में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में चल रही हैं। अब आनंद पीरामल बारात लेकर पहुंच चुके हैं। एंटीलिया में पूरे अंबानी परिवार ने बारातियों का स्वागत किया है। अब ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की पहली फोटो सामने आ गई है। इस शादी में बीटाउन से लेकर स्पोर्ट्स और कई देसी विदेशी राजनेता शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद गेस्ट के लिए डिनर पार्टी रखी गई है। आपको बता दें कि ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की फोटो सामने आ चुकी है। फोटो में ईशा अंबानी दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। दूल्हा दुल्हन ने एक ही कलर के आउटफिट्स पहन रखे हैं। जहां ईशा गोल्डन कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं, तो वहीं आनंद पीरामल भी गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए हैं। बता दें कि ईशा अंबानी ने डायमंड ज्वेलरी कैरी की हुई है। जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं कि ईशा और आनंद की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। दोनों एक साथ मंडप में बैठे दिख रहे हैं, तो वहीं ईशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी दिख रही है। वहीं ईशा अंबानी के दुल्हन अवतार की बात करें तो ईशा अंबानी पूरी तरह से राजकुमारी की तरह दिख रही हैं। उन्होंने जिस तरह से गोल्डन कलर का लहंगा कैरी किया है, वो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। न सिर्फ उनका गोल्डन लहंगा बल्कि उनका मेकअप भी उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। वहीं खास बात तो ये है कि शादी को संपन्न कराने के लिए काशी के पंडित को बुलाया गया है। इन 9 ब्राह्मणों की देखरेख में ही ये शादी होगी। इस विशेष शादी के लिए बुलाए गए काशी के पंडित 3 दिन पहले यहाँ पहुँच चुके थे। अंबानी परिवार की शादी में गंगा आरती से लेकर काशी के अन्य धर्म संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। बता दें कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय परिमल के बेटे आनंद परिमल से संपन्न हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।